ये नेटवर्क हमारा ठीक है। अब क्या चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि ये जो कम्युनिकेशन अभी चल रहा है, तो ये जो मेरा सिस्टम है जिसका आईपी है 3.2, ठीक है, मैं इस होस्ट को अपने इस नेटवर्क पे कम्युनिकेशन करना नहीं देना चाहता। तो मैं अपने राउटर पे आता हूँ, बाय डिफॉल्ट अभी कम्युनिकेशन चल रहा है क्योंकि अभी जितने भी मेरे सिस्टम हैं सब एक दूसरे से पिंग कर रहे हैं। 192.168.3.2, 3.2 से रिप्लाई आएगा, आ गया। 3.3 से अगर हम कम्युनिकेट करवाएं तो 3.3 से भी रिप्लाई आ रहा है, आ गया। 3.10 से अगर कम्युनिकेट कराऊं तो 3.10 से भी रिप्लाई आएगा, ठीक है। और राउटर 2 है, उसके आईपी हमने 2 सीरीज के यूज किए हैं, तो 2.2 से पिंग करें, 2.2 से भी रिप्लाई आएगा। फर्स्ट टाइम पे एक डेटाग्राम का लॉस होता है। तो अभी पूरा नेटवर्क कन्वर्ज है एंड दे कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। और मेरा खुद का आईपी जो है वो है 1.2, ठीक है। तो मैं अपने आईपी से तो कम्युनिकेट करूंगा ही करूंगा, और अपने नेबर सिस्टम के साथ भी कम्युनिकेशन करूंगा, वो मेरी नेटवर्क में है, ठीक है। तो इसका मतलब अभी पूरा कन्वर्ज नेटवर्क है, पूरा कम्युनिकेशन चल रहा है। अब हम सबसे पहले लगाते हैं स्टैंडर्ड ACL, ठीक है। मैं शो आईपी रूट देखूं तो रूट टेबल में मेरे पास में एंट्री है, इसलिए वी कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर। शो आईपी एक्सेस लिस्ट कमांड लगाऊं तो अभी कोई एक्सेस लिस्ट कन्फिगर नहीं है। सबसे पहले हम लगाते हैं नंबर बेस एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस लिस्ट आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो आपको रेंज बताएगा। दिस इज बाय डिफॉल्ट रेंज ऑफ एवरीवन राउटर कैन अंडरस्टैंड, 1 to 99 एंड 100 to 199 फॉर स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडर्ड। इफ योर आईएस इज 1203 एंड अबव तो स्टैंडर्ड एसीएल में 1300 से लेके 1999 की जो रेंज मिलती है, मींस 1300 टू 1999 की रेंज, ये एडिशनल रेंज है फॉर स्टैंडर्ड। और अगर मैं एक्सटेंडर्ड की बात करूं तो उसमें 2000 से लेके 2699 की एडिशनल रेंज मिलती है आपको फॉर एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो आप इसको कोई भी एक नंबर दे दो, फॉर एग्जांपल मैंने 10 दे दिया। आप रिमार्क क्रिएट कर सकते हो जस्ट फॉर द डॉक्यूमेंटेशन, जस्ट फॉर द कमेंटिंग, ठीक है। सो मैं यहाँ पे देता हूँ कि आई वांट टू प्रिवेंट 192.168.3.2 होस्ट, बट एवरीवन एल्स कैन कम्युनिकेट। तो मैंने एक रिमार्क दे दिया, रिमार्क में आप मैक्सिमम 100 करेक्टर की लिमिट डिफाइन कर सकते हैं। देन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, आपको डिनाई करना है होस्ट को, ठीक है। और होस्ट का आईपी क्या है, 192.168.3.2 है, ठीक है। या तो आप होस्ट कीवर्ड यूज कर लो या WSM लगा दो 0.0.0.0, ठीक है। दोनों ही कंडीशन सेम थिंग है। आप इस कमांड को ऐसे भी लिख सकते हो और आप इस कमांड को ऐसे भी लिख सकते हो। WSM हम आईपी के पीछे लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप डिनाई करने के बाद में बाकी नेटवर्क को अगर आप परमिट नहीं करोगे तो इम्प्लिसिट डिनाई हो रहा है, इन सारे के सारे डिनाई हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 10 बाकियों को परमिट कर देते हैं, परमिट एनी कमांड लगा के, एनी फॉर एनी वन। एक्टिवेशन जो होता है, एक्टिवेशन आप इंटरफेस पे करते हो। तो मैं जैसे इथरनेट पोर्ट के ऊपर अगर इसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो आप ध्यान दो, ये मेरा सोर्स है ये वाला, ठीक है, 192.168.3.2 मेरे R1 के लिए। तो अगर मैं इसको एक्टिवेट करना चाहता हूँ राउटर के ऊपर कि दिस होस्ट कैन नॉट कम्युनिकेट ऑन माय राउटर R1, मेरे R1 पे ये सोर्स नहीं आना चाहिए, तो मैं इसको या तो सीरियल इंटरफेस पे एक्टिवेट कर सकता हूँ ACL को, या मैं कर सकता हूँ ईथरनेट पोर्ट के ऊपर एक्सेस। ईथरनेट पोर्ट पे अगर मैं एक्सेस करूंगा तो मैं कौन सी डायरेक्शन में करूंगा, और अगर मैं सीरियल इंटरफेस पे एक्सेस करूंगा तो मैं कौन सी डायरेक्शन में करूंगा, सीरियल पे इन और ईथरनेट पोर्ट पे वाई। और अगर मैं ईथरनेट पोर्ट पे इन लगा दूं तो क्या होगा, ईथरनेट पोर्ट पे इन लगा दूं तो क्या होगा, नहीं होगा, तो नहीं लगेगी। और सीरियल इंटरफेस पे आउट लगा दूं तो क्या होगा,
नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है कि मैं अगर इंटरफेस पे आ रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वहां से सोर्स आ रहा है तो मेरे इथरनेट पोर्ट को एग्जिट करेगा, तो एग्जिट टाइम के ऊपर अगर कोई चेक की जाती है तो आईपी एक्सेस ब्यूरो ACL का नंबर, और यहाँ हमारे पास दो डायरेक्शन है तो हम यहाँ पे लगाएंगे आउट। ठीक है, मैंने आउट लगा दिए, कंट्रोल जेड करते हैं तो आईपी एक्सेस लिस्ट को हम देखते हैं। ठीक है, और अब मैं कम्युनिकेट करवाता हूँ 3.2 को, तो क्योंकि ये होस्ट अब डिनाई कर दिया गया है, पहले रिप्लाई आ रहा था अब रिप्लाई आना बंद हो गया, तो बट रेस्ट ऑफ जो होस्ट हैं या रेस्ट ऑफ द नेटवर्क हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए हमने परमिट नहीं कर रखा है। और यही कमांड अगर मैं रिवर्स सीक्वेंस में लगाता मीन्स पहले परमिट नहीं कर देता बाद में डिनाई होस्ट कर देता तो फिर परमिट ही होता, फिर डिनाई का कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, 3.2 से कम्युनिकेशन नहीं है बट 3.3 से कम्युनिकेशन है। अभी लगाइए मैंने पास इंटरनेट पोर्ट पे, तो काम कर रहा है ये चीज। ओके, मैंने आउटपुट लगाया, अब मैं इसको चेक करता हूँ। पहले तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कमांड लगा के, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है 4 matches and 4 matches। ठीक है, तो ये 4 match उसके दिखा रहा है जब हमने पिंग करवाया था 3.2 को, तो डिनाई वाली कंडीशन मैच हुई। ठीक है, ये 4 match उसके दिखा रहा है परमिट आने की जो हमने 3.3 से पिंग करवाया था। ICMP के जो मैसेज आ रहे हैं हमारे पास, जितने भी हम आगे ये नंबर बढ़ते चले जाएंगे। तो मैं अब इंटरफेस FA0/0 पे लगा के कमांड लगाता हूँ NO IP Access 0 and out। यहाँ पे मैं कमांड लगाता हूँ IP access group and in। तो अब इसका कोई मतलब नहीं है, अब इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे लगने के बाद भी तुमने गलत ढंग से उसे एक्टिवेट किया है तो रिप्लाई कर रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो अगर आपने इन पे लगाना है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से जो पैकेट आएगा वो इनकमिंग होगा आपकी सीधे इंटरफेस पे। सीधे इंटरफेस पे आप इन लगा सकते हो। तो मैं पास इंटरनेट पोर्ट पे आता हूँ, यहाँ लगाता हूँ NO IP Access 0 and in, इसको हटाया, एग्जिट किया, Serial 1/0 IP Access 0 एंड यहाँ पे आप क्या लगाओगे, इन लगाओगे, इन लगा दी। अब कम्युनिकेशन चेक करें, तो डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि कब इनकमिंग पे आपने उसे एक्टिवेट करना है, कब आप गोइंग डायरेक्शन के लिए उसे एक्टिवेट करना है, तो कहाँ डेटा आ रहा है और कहाँ पे डेटा एग्जिट कर रहा है, उस बेसिस पे आप इन और आउट को चूज करते हैं। आप अगर गलत ढंग से उसे एक्टिवेट करोगे तो एक्सेस कंट्रोल जो है वो लगने के बाद भी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो काम नहीं करेगी जो आप करवाना चाहते हैं। 3.3 से कम्युनिकेशन है, बिल्कुल चेक करते हैं सिमुलेट करके। मैं यहाँ पे सिस्टम से डेटा सेंड कर रहा हूँ सॉफ्ट डेस्टिनेशन। देखो इतने पोर्ट पे ऐसे नहीं लगेगी, डेटा गया सीरियल पे इन पे लगेगी, आउट पे नहीं लगेगी। ठीक है, तो आउट हो गया, फाइन डेस्टिनेशन पे जा रहा है। मीन वाइल जो भी लेकिन यहाँ से कब जाएगा वहां से, तो फिर आपको उस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पहले तो ये देखो ये डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, ये डिस्कार्ड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये लिखा हुआ है द डिवाइस सेंड बैक एन आईसीएल टेबल फॉरगेट अनरीचेबल मैसेज राउटर लुक अप द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इन द रूट टेबल इज राउटिंग इन द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस एंड दिस डेफिनेटली कैन बी रीचेबल वाया 10.1.2। ठीक है, वो बता रहा है ऑटो कैप्चर करेंगे। ठीक है,
लेकिन सोर्स में देखो, सोर्स में एंट्री क्या है, देखिए इसका आईपी है सर, डेस्टिनेशन में क्या है, इसका आईपी है, ठीक है। और हमने इनकम के ऊपर ऑब्वियसली बात है सोर्स पे लगा दी है, ठीक है, यही ब्लो ब्लॉक है। हम किसी से ठीक है, क्योंकि उसके लिए फिर आपको एक्सटेंडेड ईसीएल लगानी पड़ेगी, इससे तो पूरा ग्रोथ में हो जाएगा। बाकी सब आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि उनका सोर्स एड्रेस अलाउ है, तो नो प्रॉब्लम विद सीरियल इंटरफेस। पीसी 1 और पीसी 0 का वो तो पूरा प्रेजेंट, पीसी 4 अनलिचेबल हो गया है, पीसी 4 अनलिचेबल, हां पीसी 4 जो पीसी 0 से कनेक्ट नहीं है, पीसी 0 0 या पीसी 0 और पीसी 1 जो है, ठीक है, वो वहां तक पहुंचा। अगर आप आउट पे लगाते तो फिर नहीं होता, तो फिर इथरनेट पोर्ट जो है फिर वो ये नहीं कम्युनिकेट कर पाते, वो कर पाते। देखो आउट का मतलब यहाँ से आउट आएगा, जब तुम यहाँ से भेज दो तो इनकमिंग में, इनकमिंग पे तो नहीं था, जब वो आएगा तो एग्जिट करेगा, तो वो मतलब चीज ऑब्वियसली बात है किसी को काम नहीं करता, वो इनकम से ही आउट होने पर आप देखा जाए तो यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं आता। ये चीज देखी, ये है, अगर मैं यहाँ पे इन के लिए आउट लगा दूँ तो फिर तो मतलब है ही इसका, फिर मैं हटा देता हूँ और सीरियल इंटरफेस में आई डी से जो टेन आउट कर देता हूँ, तो आपका मतलब है डीसीएल का रिलेशन ग्रोथ में लाएंगे, क्योंकि सीरियल इंटरफेस का तो इनकमिंग हो रही है और आप एक्टिवेट कर रहे हैं आउट के ऊपर, सोर्स एड्रेस तो आई गया ना, जब इनकमिंग हो ही गई है, ठीक है, तो इसलिए फिर वो कम्युनिकेशन हो गया है वहाँ पे, तो आपने डायरेक्शन का ध्यान रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, क्लियर है। अब एक सर्वर कंट्री में जाके एक्सटेंडेड ईसीएल का काम कर लीजिए, कैसे वो काम करेगा, नो आई पी एक्सेस ब्लॉक, हेलो नो एक्सेस लिस्ट, www.mission.com, मेरी साइट एक्सेस होनी चाहिए, होगी
बोर्ड पे काम करता है www.ucl.com जब से हमें एक्सेस हो रहा है अभी लॉगिन में ये इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ रही है हम कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल आईडी हम भी सही है करने का